राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आज। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कई अधिकार प्राप्त, सुरक्षा का अधिकार, सुनिश्चित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, ये आपके हितों की हम बात कर रहे हैं और ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आप किस तरीके से इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक उपभोक्ता होने के नाते सुनवाई का अधिकार, प्रतितोष पाने का अधिकार, उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार, आमजन इसके लिए राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी क्योंकि आज उपभोक्ता दिवस है। मुख्यमंत्री ने आमजन से जागरूक रहने और जिम्मेदार बनने का भी आह्वान किया है और ये कहा कि जागरूकता उपभोक्ता बने, आपको आप उपभोक्ता है लेकिन आपको जागरूक बनने की जरूरत है। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा और अपने अधिकारों का उपयोग करिए। आइए हम सभी अपने अधिकारों व दायित्वों के प्रति सजग होकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का संकल्प ले। उपभोक्ता दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह अपील की। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राधा स्वामी सत्संग में शामिल हुए। बेलवा स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास के कार्यक्रम में वो शरीक हुए। व्यास डेरा प्रमुख गोविंद सिंह से सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री भजनलाल ने सत्संग सुनकर व्यास प्रमुख से आशीर्वाद लिया। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओटीएस में जनसुनवाई की, अस्थायी आवास पर लोगों से मुलाकात कर अभाव अभियोग सुने। बीलवा से वापस ओटीएस स्थित अस्थायी आवास पहुंच गए हैं सीएम भजनलाल शर्मा। हो सकता है कि अभी भी मुलाकात का दौर जारी रहे क्योंकि बहुत संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। मुलाकातों का दौर चल रहा है, बधाइयों देने का सिलसिला अभी भी जारी और हो सकता है कि कुछ अपनी समस्याएं भी लेकर पहुंचे, इसलिए जनसुनवाई भी जारी। सीजीएसटी और कस्टम्स में 4 IRS पदोन्नत किए गए हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। मुख्य आयुक्त महानिदेशक के पद पर पदोन्नति हुई। जयपुर में कस्टम्स आयुक्त रही सिमी जैन को पदोन्नति मिली है। सिमी जैन के अलावा यू निरंजन, मनोज कुमार श्रीवास्तव, अतुल गुप्ता द्वितीय को भी पदोन्नति मिली है। पदोन्नति के बाद 5 IRS के तबादला आदेश भी जारी कर दिए गए। महानिदेशक ऑडिट के पद पर सिमी जैन की नियुक्ति हुई है, पदोन्नति उन्हें दी गई है। वहीं यू निरंजन की बात करें तो उन्हें DGGI ईस्ट, मनोज कुमार श्रीवास्तव की CGST मुख्य आयुक्त पंचकुला, अतुल गुप्ता द्वितीय की महानिदेशक मूल्यांकन, मयंक कुमार की मुख्य आयुक्त CGST पुणे के पद पर नियुक्ति हुई है। तो नई जिम्मेदारी है, नई जगह है और उस जिम्मेदारी को बखूबी से निभाएंगे, ये उनका कहना भी। पाकिस्तान की बात करें तो वो अपनी नापाक हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। देश की सुरक्षा में सेंध लगाने के लगातार वो प्रयास कर रहा है। कभी जम्मू कश्मीर से खबर आती है तो कभी बॉर्डर इलाके से। इस बार सरहदी जिले जैसलमेर में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पाक की तरफ से भारी संख्या में पहुंच रहा है आर्मी न्यू पैटर्न ड्रेस का कपड़ा। अलग अलग तरीके से नापाक कोशिशें पाक की तरफ से। भारत सरकार ने खुले में बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा है इस कपड़े को, जो कि आर्मी यूनिफॉर्म होती है। बेखौफ होकर न्यू पैटर्न ड्रेस के कपड़े का सरहदी जिले में पहचान किया जा रहा है। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। श्रीगंगानगर जिले सहित विभिन्न जिलों से कपड़ा सरहदी क्षेत्र में पहुंच रहा है। पूर्व में सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई कर कई लोगों को दस्तयाब भी किया था, यानी इससे पहले भी इस तरीके की घटना सामने आई थी, लेकिन एक बार फिर से इस तरीके की खबर सामने आई। सवाल, आखिर प्रतिबंधित न्यू पैटर्न ड्रेस का सामान कहां से सप्लाई हो रहा है? पहलवानों के दंगल के बीच मोदी सरकार का एक बड़ा दाव, नए अध्यक्ष संजय सिंह की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। कुश्ती संघ भी निलंबित कर दिए गए। नव निर्वाचित ये जो संघ बना था, पूरी टीम बनी थी और अध्यक्ष मनोनीत हुए थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। हाल ही में संपन्न हुए थे भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को जीत मिली थी, तो वहीं पहलवान अनिता अश्वरान की हार हो गई थी। इसके बाद महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। बजरंग पूनिया ने भी प्रधानमंत्री आवास के सामने अपना पद्मश्री रख दिया था। पहलवानों की मांग को देखते हुए नए कुश्ती संघ को निलंबित किया गया। साथ ही संजय सिंह द्वारा लिए गए सभी फैसलों पर रोक लगा दी गई। खेल मंत्रालय ने अगले आदेश तक किसी भी तरह की गतिविधि पर अब रोक लगा दी है। ये बड़ा फैसला खेल मंत्रालय द्वारा लिया गया है। अब इसे सियासत से जोड़ के भी देखा जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। अयोध्या का रुख करते हैं क्योंकि श्री रामोत्सव 2024 की तैयारियां परवान पर चल रही है।
दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समारोह बनाने की तैयारी की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले जनसंपर्क के लिए विहिप का मास्टर प्लान भी तैयार कर दिया गया है, जो कि जरूरी भी है। विश्व हिंदू परिषद 1 जनवरी से घर घर जाकर पीले चावल बांटेगी। 60 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन का लाइव प्रसारण देखने का न्योता देगी। देश के 5 लाख गांवों के 30 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक देश भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि 22 जनवरी वो दिन जब रामलला आखिरकार अयोध्या में पधार जाएंगे, यानी कि आम जन उनके दर्शन कर पाएंगे। माउंट आबू की वादियों में सर्दी का सितम बरकरार है। जी हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू की। कड़ाके की सर्दी के बीच तापमान जमाव बिंदु के करीब है। आज फिर न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया वहां का तापमान, तो अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैदानों में घास व वाहनों के शीशों पर ओस की बूंदे जो थी वो जमी हुई नजर आई। जगह जगह लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचाव करते नजर आए। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों की आवक भी तेज हो गई है। न्यू ईयर और शीतकालीन अवकाश के चलते एडवांस बुकिंग हो रही है, यानी कि सर्दियां परवान पर है, लेकिन टूरिज्म सीजन भी चल रहा है, इसलिए देशी विदेशी पावने भी वहां पर मौसम का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। 4 महीने में 10 किलो वजन घटाकर मॉडल बनी राजस्थान की प्रियंस सेन। ज्वाइंट मिस अर्थ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में प्रतिभागी हैं प्रियंस सेन। 16 देशों की प्रतिभागियों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं प्रियंस सेन। सीकर की रहने वाली हैं, एमबीबीएस छात्रा हैं प्रियंस सेन। मोबाइल पर एक रील लॉन्च करने के बाद प्रियंस सेन मशहूर हो गई। पूर्व मिस राजस्थान संगीता भामू की प्रेरणा से प्रतियोगिता में वो शामिल हुई। मिस राजस्थान 2022 में फर्स्ट रनर अप रही थी प्रियंस सेन। अब वो कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जी हां जेडीए, 100 दिनों में जारी करेगा 10,500 की फ्री होल्ड पट्टे। जेडीए ने 100 दिवसीय कार्य योजना राज्य सरकार को भेज दी है। 7,978 लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे किए जाएंगे जारी। 2,597 फ्री होल्ड पट्टे जारी किए जाएंगे और 1,207 प्रकरणों में नाम हस्तांतरण किया जाएगा। 214 प्रकरणों में उप विभाजन पुनर्गठन किया जाएगा। 45 प्रकरण के 90 एस संबंधित निपटाए जाएंगे काम। 36 प्रकरणों में सरकारी संस्थाओं को भूमि दी जाएगी। जेडीए ने 200 करोड़ की राजस्व बढ़ोतरी का लक्ष्य भी रखा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।